हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस तरीके की एटीट्यूड स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आपको इस तरीके की एटीट्यूड स्टेटस वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड आपको सिर्फ एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है कान मास्टर। तो फ्रेंड, आपको प्ले स्टोर में ही कान मास्टर ऐप मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम कान मास्टर ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करते ही फ्रेंड हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। फ्रेंड हमें यहाँ पर वीडियो को बनाने के लिए एक प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड हम यहां से वीडियो की साइज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड हम नॉन रेसोस एसटी की साइज को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड हमें मीडिया पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड यहां से हमें एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट होने के बाद फ्रेंड हमें ब्लैक बैकग्राउंड के लिए पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड हमें इसको खींच कर थोड़ा सा लंबा कर लेना है। फ्रेंड हमें लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड हमें मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड हम उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर हम वीडियो को एडिट करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम इस वॉलपेपर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट होने के बाद फ्रेंड हमें कैंची के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड हम इस वॉलपेपर को फुल स्क्रीन में कर देंगे। फ्रेंड हम इस वॉलपेपर को अच्छे से लगा देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर इस तरीके से लग चुका है। फ्रेंड हमें इसकी लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको खींचकर ब्लैक बैकग्राउंड की लेयर के बराबर कर देना है। फ्रेंड आपको इस वॉलपेपर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड हमें लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। फ्रेंड आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम इस बैड बॉय वाली ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद फ्रेंड हमें कैची के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को हम फुल स्क्रीन में कर लेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो फुल स्क्रीन लग चुकी है। फ्रेंड हमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड यहाँ से हमें नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड हमें इस क्रोमा की वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो लग चुकी है। अब फ्रेंड हमें बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे स्टेटस कुछ इस तरीके से एडिट हो चुका है। अब फ्रेंड हम इसमें एक इफेक्ट लगाएंगे। इफेक्ट लगाने के लिए फ्रेंड हमें लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड हम एक इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड आपको इस इफेक्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड हमें कैची के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड हम इस इफेक्ट को फुल स्क्रीन में कर देंगे। फ्रेंड हमें स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड यहाँ से हमें नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर फ्रेंड हमें क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड हमें स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड हमें बैक आना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट भी वीडियो में लग चुका है। फ्रेंड हम वीडियो को चला कर देखेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से एडिट हो चुकी है। अब फ्रेंड हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से एडिट करेंगे। फ्रेंड हम इसमें एक फिल्टर लगाएंगे। तो फ्रेंड हम इस वीडियो के पीछे से यहाँ से इसमें एक फिल्टर लगाएंगे, जहाँ से हमारी ये वीडियो यहाँ से ख़त्म होती है, यहाँ से हम एक इसमें फिल्टर लगा देंगे। यहाँ से फ्रेंड हम इसमें एक फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने के लिए फ्रेंड हमें लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ओवरले का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से फ्रेंड हम इसमें ए वाला फिल्टर लगा देंगे। फ्रेंड अगर आपको इस तरीके के फिल्टर डाउनलोड करने हैं तो डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखेगा गेट मोर, गेट मोर पर क्लिक करके फ्रेंड आप इस तरीके के फिल्टर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमें बैक आना है। फ्रेंड हम इस फिल्टर को फुल स्क्रीन में लगा देंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा फिल्टर लग चुका है। फ्रेंड हमें फिल्टर के लेयर को खींचकर वीडियो के लेयर के बराबर कर देना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी वीडियो इस तरीके से एडिट हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा लेयर है हमारी पीछे से, इनको हम कट कर देंगे। फ्रेंड हमें ब्लैक वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड हम इसको पीछे से कट कर देंगे। कट करने के लिए फ्रेंड हमें कैची का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ट्रिम टू राइट टू प्लेट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा ब्लैक इफेक्ट पीछे से कट हो चुका है। फ्रेंड हमें बैक आना है। इफेक्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड हम इसको भी पीछे से कट कर देंगे। कट करने के लिए फ्रेंड हमें कैची के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ट्रिम टू राइट टू ब्लेड पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट भी पीछे से कट हो चुका है। फ्रेंड हम वॉलपेपर को भी इसी तरीके से पीछे से इसमें कट कर देंगे। कट करने के लिए फ्रेंड हमें कैची के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ट्रिम टू राइट टू ब्लेड पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड हम इस
फिल्टर को भी पीछे से कट कर देंगे। फ्रेंड हमें ट्रिम स्प्लिट पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद ट्रिम टू राइट टू ब्लेड पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरीके से एडिट हो चुकी है। फ्रेंड हम इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड हमें लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है शेयर का, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद फ्रेंड यहां से हम जिस भी क्वालिटी में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड हम 1080p की क्वालिटी में इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड हमें नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड अगर आपको इस वीडियो को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। फ्रेंड अगर ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।